तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम OBS के अंदर सीन ट्रांजिशन डाल सकते हैं, सिंगल ट्रांजिशन डाल सकते हैं और अलग अलग टाइप की ट्रांजिशन हम बेसिकली कैसे करते हैं OBS के अंदर। जो भी आप देखते हो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स पे कि उनकी जब सीन ट्रांजिशन होती है तो अलग अलग टाइप की ट्रांजिशन आती है, कभी फेड होता है, कभी क्लाउड ट्रांजिशन होती है, कभी सिंगल ट्रांजिशन होती है, सब कुछ हम कैसे करते हैं OBS के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों के हैप्पी बर्थडे इंडिया वर्ल्ड के अंदर 20 मिलियन लोगों को मिलते हैं हैप्पी बर्थडे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम लक्ष्य, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक 121। और उसके बाद अगर हम वापस आए अपने जो हमने अभी सीन क्रिएट करा है जो कि काफी अच्छा लगता है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ये वाला सीन है इससे मैं ट्रांजिशन करता हूँ अपने इस वाले सीन में तो वो फेड हो रहा है। ठीक है, अभी फेड कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सीन ट्रांजिशन का आपको दिख रहा है इसी के नीचे ऑप्शन है फेड कट। ठीक है, तो अब जो डिफॉल्ट आपको मिल जाता है एक फेड है एक कट है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल से लगता है, बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगे तो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लगा सकते हो लूमा वाइप, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं क्लाउड वाला, तो आप उसको प्रीव्यू करोगे तो वो ऐसा सा कुछ दिखता है। ठीक है, और उसके अंदर आप अपनी सॉफ्टनेस जो है वो भी ऐड कर सकते हो, 0.5 अगर मैं ऐड करके दिखाऊं तो वो ऐसी कुछ दिखेगी, और जब मैं ट्रांजिशन करता हूं दूसरे सीन में तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बट अगर आप गौर करो कि जो मेरा मेन सीन है उसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज ट्रांजिशन करता तो वो ऐसे मेरा जो नाम है वो आता है और ऐसे खुलता है, वो भी वेबकैम ओवर लिंक नहीं चल रही मेरे को नहीं पता, बट अगर आप ट्रांजिशन की ओर ध्यान दो तो वो ऐसे आती है और ऐसे खुल जाते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक सिंपल टाइप की स्ट्रिंगर जो मर्जी कह सकते हो स्ट्रिंगर ट्रांजिशन है ये। तो स्ट्रिंगर ट्रांजिशन जो ये बनती है अपना, स्ट्रिंगर क्या होता है कि मतलब आप एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हो बट उसके बीच में आपको आपकी एक और वीडियो टाइप चल रही है। ठीक है, बट वो वीडियो जो हम थोड़ा सा क्रिएटिव वे में यूज करते हैं कि जब आपकी स्क्रीन ऐसे क्लोज हो रही है उसके बीच में सीन चेंज हो गया, जब पूरी स्क्रीन ढक गई और उसके बाद जब वो ऐसे दोबारा से खुल रही है तो दूसरा सीन खुल गया, तो ऐसा लगता है कि इस ट्रांजिशन ने उस सीन को बंद करा और नया सीन जो है उसको खोल दिया। ठीक है, अब जो स्ट्रिंगर है ये जो बनती है ये भी आप अपना यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो, आफ्टर इफेक्ट में मैंने अपनी वाली स्ट्रिंगर को बनाया है, तो अगर आप इसका टेम्पलेट देखना चाहते हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टेम्पलेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ऐसी जो स्ट्रिंगर है हमारे पास आ जाती है, और ये जो स्ट्रिंगर है आप कहां से ऐड कर सकते हो, अपना प्लस आइकन पे जाओगे उसमें जाकर आप ऐड कर सकते हो स्ट्रिंगर, और उसकी सेटिंग्स में आप जा सकते हो और प्रॉपर्टीज में जा सकते हो और अपनी जो भी आपकी वीडियो फाइल है उसको ब्राउज कर सकते हो। अब अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो वो ऐसे कुछ आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है उसका। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सीन ट्रांजिशंस कैसे करनी है और कैसे सब कुछ करना है। ये बेसिकली था एक पार्ट मेरे OBS ट्यूटोरियल का, जो मैंने कंप्लीट एक गाइड बना रखी है OBS ट्यूटोरियल की जो कि फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर ही, वो एक कंप्लीट गाइड है जिसके अंदर आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक OBS के अंदर बिगिनर से प्रोफेशनल के और बढ़ सकते हो, अपना कंप्लीट OBS को सीख सकते हो। तो अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हो OBS के अंदर आप और सारी चीजें जो है चेकआउट करना चाहते हो तो वो वाली गाइड जो जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक और आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर जो है अलग चैप्टर्स बने हुए हैं जो कि लाइक यूट्यूब की टाइम से मैंने चैप्टर्स बनाए हैं, तो आप अपना जो पार्ट आप सीखना चाहते हो या फिर जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो उस चैप्टर पे आप डायरेक्ट जाके क्लिक कर सकते हो और वो वाला पार्ट सीख सकते हो, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप वो वाली वीडियो जरूर जाके चेकआउट करोगे, और इसी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज जय हिंद, वंदे मातरम और शुभ अखैर, बाय बाय।